नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का उभरता हुआ चैनल द वंदे भारत। गुरुग्राम में सार्वजनिक स्थानों, बिजली के खंभों और सड़क किनारे लगे अवैध होर्डिंग और प्रचार सामग्री जो शहर को गंदा करती है और यातायात संचालन में बाधा उत्पन्न करती है, नगर निगम ने अब ऐसे सार्वजनिक स्थानों को खाली कराने का फैसला लिया है। बता दें कि संयुक्त आयुक्त एक के नेतृत्व में एनफोर्समेंट टीम ने राजीव चौक से सोहना चौक तक रेलवे रोड के दोनों तरफ अवैध प्रचार सामग्री को हटा दिया। टीम ने सार्वजनिक स्थानों पर दीवारों पर बिजली के खंभों और संकेतकों के आसपास लगे सभी प्रकार के होर्डिंग बोर्डों को हटाने की कार्रवाई की है। वहीं पूरी कार्रवाई संयुक्त आयुक्त सुमित कुमार के मार्गदर्शन और नेतृत्व में संपन्न हुई। वहीं नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहूजा के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति, बिजली के खंभों, सार्वजनिक दीवारों और सड़क के किनारों पर अनाधिकृत और अवैध रूप से प्रचार सामग्री होर्डिंग बोर्ड लगाना अब दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हरियाणा सरकार करेगी, जिसमें भारी जुर्माना लगाने के साथ ही FIR तक दर्ज करवाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से लगे होर्डिंग बोर्ड और अन्य प्रकार की प्रचार सामग्री से शहर गंदा दिखाई देता है। हमारा शहर हमारी जिम्मेदारी है और इसे साफ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। साथ ही यातायात संचालन में भी बाधा उत्पन्न होती है, जिसे भी सुचारू रूप से व्यवस्थित अब करना होगा। तो इसीलिए नगर निगम गुरुग्राम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जो आगे भी लगातार जारी रहेगी। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।